गोली मारी आपने। अच्छा दादा, चल झगड़े का कारण क्या था? मेरी बात सब्जी ले रखी थी, मेरी बात साग ले रखी, आधे मेरी बात उल्टा बोलने लगा। रोहतक में व्यक्ति की हत्या पर बवाल, आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ा परिवार, शव लेने से इनकार, 6 गोलियां मारी थी। मृतक के भाई सुनील ने बताया कि शिशपाल मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह हर रविवार सुबह माँ सब्जी लेने के लिए गई थी, इसी दौरान उनके गांव का बल्लू आया और माँ के साथ बदतमीजी की, वहीं अपशब्द भी कहे, जिस पर शिशपाल ने उन्हें टोक दिया। इस दौरान आरोपी बल्लू ने शाम तक जान से मारने की धमकी दी और वह मौके से चला गया। 6 गोलियां मारी। रविवार शाम को करीब 4 बजे शिशपाल घर के पास ही ताश खेलने वालों के साथ बैठा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक आए, जिनमें 2 गांव व तीसरा उनका भांजा था। उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके कारण शिशपाल को 6 गोलियां मारी और इसके बाद आसपास में दहशत फैलाते हुए आरोपी हथियार को हवा में लहराते हुए वहां से फरार हो गए। घायल शिशपाल को उपचार के लिए रोहतक PGI में लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत से पहले पुलिस ने शिशपाल की एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें वह हमलावरों के नाम बता रहे हैं। चुनावी रंजिश रखे हुए हैं पूर्व सरपंच सुनील ने कहा, इस हमले में पूर्व सरपंच संदीप का भी हाथ है, जो पंचायती चुनाव लड़ा था लेकिन हार गया। कई बार वह परिवार को चुनाव में वोट ना देने पर धमका चुका था। उस समय की रंजिश भी रखे हुए है, जिसके कारण उसकी शह में आरोपियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की और फरार हो गए। तो दोस्तों, ये एक 4 बच्चों का पिता था शिशपाल। मृतक शिशपाल के 4 बच्चे, 2 बेटी व 2 बेटे हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी पुष्पा व सोनिया की शादी हो चुकी है। वहीं बेटे साहिल व नवीन अभी अविवाहित है। वारदात के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। बेटे ने मांगा इंसाफ। शिशपाल के बेटे साहिल ने कहा, उसके पिता की हत्या के बाद हथियारों ने धमकी दी कि हम 2 किले 2 एकड़ जमीन बेच देंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। अब उनका पूरा परिवार डर के साए में समय व्यतीत कर रहा है। क्या दोस्तों ये बात सही है या नहीं, देखते जाइए इस न्यूज़ चैनल को। इसलिए परिवार को सुरक्षा दी जाए, साथ ही अपने पिता के लिए, जो अपने साथ ही अपने पिता के लिए इंसाफ की मांग की। क्या इस परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? क्या आपकी कमेंट में क्या राय होगी, आप बताइएगा। 3 के खिलाफ FIR। लाखन माजरा पुलिस थाना के SHO सुरेश कुमार ने बताया कि मृतक शिशपाल के बेटे के बयान पर हत्या SC ST एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जो परिवार वाले शिकायत देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मृतक ने मौत से पहले 3 लोगों का नाम लिया था, जिनमें एक करमबीर उर्फ बुल्लू, दूसरा उसका भतीजा व तीसरा नसीब लुआर। परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में खड़े BSP के जिला अध्यक्ष हवा सिंह ने कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ है और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण परिवार ही नहीं समाज में भी रोष है। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।